तो हेलो गाइज, नमस्कार। टीवीएस बरेली चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारे सामने भाई टीवीएस रॉनिन 225 का टॉप वेरिएंट है ये टीडी, और उसमें भी हमारे पास दो मॉडल हैं जो आप देख रहे होंगे। एक जो मतलब नॉर्मल कंपनी देती है आपको स्टॉक, वो तो ये ऑरेंज वाला है, और एक हमने स्टॉक को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करवा रखा है वो भाई ये वाला है। तो दो गाड़ियाँ हैं हमारे पास, और दोनों में आज मैं आपको बताऊँगा कि भाई किस में कौन सी एक्सेसरीज लगी हुई है और वो आपको कितने की पड़ी, जो कि आप बरेली से अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप यहाँ लगवा सकते हैं टीवीएस बरेली श्री बालाजी मोटर्स के यहाँ, जो कि नकटिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। एड्रेस मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर दूंगा कंप्लीट, जिससे आपको कोई भी मतलब क्वेरी करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे इस वाली रॉनिन की। वैसे ये जो दोनों गाड़ियाँ हैं ये 225 सीसी की हैं और 20-20 हॉर्स पावर देती हैं, मतलब 20 हॉर्स पावर और 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें कि कौन कौन सी गाड़ियाँ मतलब क्या क्या एक्सेसरीज लगी हुई हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि उसके पीछे अगर आप नज़र डालेंगे तो वहाँ पर वो लगी है, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक्सटेंडेड आपको जो रियर ग्रैब हैंडल्स हैं ये लगा हुआ है। तो मैं आपको कंप्लीट जानकारी देता हूँ, तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वैसे देखो इसमें जो जो सामान लगा है ना, मैं आपको सब बता देता हूँ कि भाई हमने कौन सा काम जो है वो कितने करवा रखा है। अगर आप उस रॉनिन से ये वाली बनवाना चाहते हैं तो आप बनवा सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि इस गाड़ी में आपको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें ज़रूरत पड़ती हैं, तो आप इस तरह से पूरी गाड़ी को मॉडिफाई करवा सकते हैं, कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं। और ये जो है ना, ये भाई पूरी बाइक जो है वो रोड लीगल है, और ये जो है ना, ये भाई पूरी बाइक रोड लीगल है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी पर भी आपका चालान वालान हो। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से। तो फ्रंट में देखो, वैसे तो हेडलाइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो नॉर्मल PPF है, जो कि उस गाड़ी में नहीं है, तो वो आप लगवा सकते हैं, लेमिनेशन टाइप की है। और उसके बाद ये रहा आपका वाइज़र, ये कंपनी का है ओरिजिनल, आप देख रहे होंगे TVS की ब्रांडिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। और इसकी जो कीमत है वो आपको 1200 रुपये देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा हम यहाँ पर आ जाते हैं और भाई इसके नीचे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको LED आपको देखने के लिए मिल जाती है। वैसे देखो ये जो वैसे ये जो LED लाइट है ये भाई आपका दोनों कलर की है, इसमें आपको येलो भी मिलता है और वाइट भी मिलता है। एक बार मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो देखो भाई ये है वाइट और ये है येलो, तो आपको इसमें दोनों कलर ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। इसका प्राइस आपका काफ़ी वेरी करता है, आप 1500-2000 से लेकर के 3000-4000 रुपये तक, ब्रांड टू ब्रांड और आपकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी ब्राइटनेस चाहिए। जैसे इसकी जो ब्राइटनेस होती है वो ल्यूमन्स में होती है, तो आपको कितने ल्यूमन की जो है वो ब्राइटनेस चाहिए, तो उस तरह से आपको देखने के लिए मिलता है। अब बात करें हम एक और चीज़ की जो कि इस गाड़ी में आपको देखने के लिए नहीं मिलती है, वो है आपका ये प्रोटेक्टर, फोक प्रोटेक्टर, इसे फोक कह लीजिए, सस्पेंशन प्रोटेक्टर कह लीजिए। इसका जो प्राइस है वो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि ये एकदम नया काम है। तो भाई ये देख लो, आपको 1900 रुपये का फोक प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है, और ये मेटल का है। इसमें आपको 2-3 कलर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, एक ये और एक थोड़ा गोल्डन टाइप का, तो हमने ब्लैक प्रिफर करा क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा कूल लग रहा है हमें इस चक्कर में। इसके अलावा अगर हम एक और मॉडिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा टैंक पर ये टैंक पैड, ये भाई आपको नॉर्मली देखने के लिए नहीं मिलते हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे, बट इसमें लगे हुए हैं। इसका अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये 900 रुपये के पड़ते हैं, तो 900 रुपये में आप समझ लो आपके टैंक की जो है प्रोटेक्शन हो जाती है, क्योंकि साइड से जो पेंट होता है वो पील ऑफ हो जाता है बार बार पेंट वगैरह लग लग के। और इसके अलावा हम एक और चीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपका इंजन गार्ड है, क्रशर गार्ड है, क्योंकि आपको नॉर्मल नहीं मिलता। इसका जो कीमत है वो भाई 2100 रुपये है, और क्वालिटी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी है। बट एक चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये क्रशर गार्ड लगवाएं तो ये थोड़ा एडजस्ट करवाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप देख रहे होगे एक तरफ का तो थोड़ा सा ज़्यादा है और एक तरफ का कम है, तो ये थोड़ा सा आप एडजस्ट करवा लेना। अभी फ़िलहाल हम आज ही कल में लगवा के हैं तो एडजस्ट नहीं करवा पाए, नहीं तो हम इसे एडजस्ट करवा लेते। और आप देखो भाई इसमें कितना ज़्यादा सही लग रहा है, 2100 रुपये का आपका पड़ता है। और उसके साथ ही साथ इस बाइक में आपको हमने कस्टमाइज एयर फिल्टर लगवा रखा है, आप यहाँ देख रहे होंगे। इसकी जो कीमत है भाई वो 1100 रुपये है, ये हाई परफॉर्मेंस एयर फिल्टर है। इसकी आवाज़ मैं आपको अगली वीडियो में सुनवाऊंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पीछे का थोड़ा सामान गिर गया, तो इसकी जो आवाज़ है ना वो भाई सच में बड़ी है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और इसमें हमारी कंपनी का आता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आवाज़ चेंज करवाना चाहते हैं नहीं करवाना चाहते हैं। वैसे तो इस बाइक में बहुत हैवी आवाज़ आती है, बट स्टिल अगर आपको थोड़ा सा भी शौक है तो आप उसे चेंज करवा सकते हैं। और इसके जो प्राइस था वो मैंने आपको बताया, 1100 रुपये आपको पड़ना मतलब देखने के लिए मिला था। और अब हम बात करते हैं मोबाइल होल्डर की।
तो देखो भाई, बाइक में आपको वैसे जो USB पोर्ट है ना, वो तो देखने के लिए मिलता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि हमें थोड़ा सा वायरलेस चाहिए था, तो आप यहाँ से ये वायरलेस फ़ोन चार्ज कर सकते हैं अपना, यहाँ पर लगा सकते हैं, ये पीछे से ऑन हो जाता है। ये सिमटेक का है, जिसकी कीमत जो है वो आपको 2100 रुपये के आसपास देखने के लिए मिलेगी, 2100-2000 रुपये के आसपास देखने के लिए मिलेगी। आप कहीं पर भी कंपनी वगैरह से लगवा सकते हैं। एक चीज़ और हैंडल में लगी हुई है, ये भाई आपका जो वो है इंस्टा 360 का माउंट है, ये तो आपकी मर्जी है, अगर आप इंस्टा 360 ऑन कर रहे होंगे तो आप लगवा सकते हैं। तो ऐसा कुछ आपको कंप्लीट देखने के लिए मिलता है। और हैंडल देखो भाई, कितना ज़्यादा सही लग रहा है, इसका हैंडल और उसका हैंडल दोनों में आप अंतर देख सकते हैं। ये गाड़ी थोड़ी सी हैवी लग रही है, वैसे बहुत ज़्यादा हैवी है, बट स्टिल ये और ज़्यादा लुक को क्या है ना, एनहांस कर रहा है। तो ऐसा कुछ आपको डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है। अरे यार, इसके अलावा एक और चीज़ हमने गाड़ी में जो है वो मॉडिफाई करवाई है, वो भाई इसमें हमने ब्लिंकर्स लगवाए हैं। एक बार मैं आपको जला करके दिखाता हूँ। तो हमने इसका जो सेटअप है वो करवा रखा है इस वाले बटन से, तो इस तरह से ये ब्लिंकर जलते हैं। ये देखिए भाई, ब्लू और रेड, ये इस तरह से ब्लिंक करते हैं, जो कि आपको नॉर्मल गाड़ी में नहीं मिलेंगे। ये सारी चीज़ जो है भाई, ये रोड लीगल है, आप करवा सकते हैं, क्योंकि इससे कंपनी की मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं है जिससे आपको RC पे चेंज करवाना पड़े, नॉर्मल है गाड़ी में, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें एक और मॉडिफिकेशन की, जो कि ऑफिशियल है कंपनी का, वो है भाई ये रियर में जो आपको मिलता है सामान वगैरह रखने के लिए, उसमें आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा छोटा मिलेगा, बट यहाँ पर आपको बड़ा भी है और सामान रखने के लिए आपको ये सभी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। तो इसके अगर मैं प्राइस की बात करूँ, तो कंपनी ने अभी फ़िलहाल क्या कर रखा है, इसका प्राइस मतलब ये रियर ग्रैब हैंडल का प्राइस और ये साइड स्टे, इन दोनों को मतलब साथ में बेच रही है, जिसकी कीमत 3800 रुपये है। वैसे केवल जो साइड बैग स्टे है, इसका अगर मैं प्राइस की बात करूं, तो ये आपको 900 रुपये का एक साइड का मिलता है और 900 रुपये का दूसरे साइड का मिलता है, जो कि आपको साइड स्टे यहां पर नहीं मिलता है, केवल साड़ी गार्ड मिलता है। तो ये आप लगवा सकते हैं। तो 900, 900, 1800, 2000, तो 3800 रुपये का आपको टोटल ये सामान देखने के लिए मिलता है, और ये फुटरेस्ट वगैरह तो आपको साथ ही में देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा इसमें यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जो कि मॉडिफाई नहीं है, बट थोड़ा पार्ट ऑफ एसेसरी है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो भाई ये सारा मॉडिफिकेशन जो है वो बाइक में लगा हुआ है, और बैग रह जाते हैं, तो मैं बैग की आपको इमेज दिखा देता हूँ। तो वो कुछ आपको इस तरह से देखने के लिए मिलेंगे, जिन्हें आप मतलब ले सकते हैं। टैंक वाला जो बैग है वो आपको लगभग पड़ेगा 3300 रुपये का, और रियर वाला जो बैग है वो आपको पड़ेगा 3500 रुपये का। तो ऐसा कुछ आपको कंप्लीट मॉडिफिकेशन देखने के लिए मिलता है। और अगर हम प्राइस की बात करें सारे मॉडिफिकेशन की, तो इसका जो प्राइस आपको देखने के लिए मिलता है, तो देखो जो आफ्टर मार्केट था वो आपको पड़ता है 8350, बाकी जो बैग और इसका फ्रंट वाइजर और रियर का वो ग्रैब हैंडल्स वगैरह, इन सब का प्राइस आप 10 से 12 हज़ार रुपये मान सकते हैं। तो टोटल आपका 25,000 में अगर आप खर्च करते हैं, तो भाई ऐसे से ऐसी गाड़ी हो जाएगी, मतलब समझ रहे हो ना कितना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज है भाई गाड़ी के अंदर, लुक में बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है ये बेचारी कमज़ोर सी हो रही है, कितनी हैवी, हालांकि है दोनों एक ही चीज़, बट स्टिल आप यहाँ पर फील कर सकते हैं कि ये जो गाड़ी है ना भाई, अलग ही लेवल की लग रही है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसी लगी देखने में, कौन सी गाड़ी जो है वो ज़्यादा अच्छी लगी। बाकी ये वीडियो अगर आप बरेली के आसपास किसी भी सिटी से देख रहे हैं, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहानपुर या मुरादाबाद, और आप बाइक को मॉडिफाई करवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दे दूंगा, आप वहाँ कॉन्टैक्ट मतलब मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, पॉसिबल होगा तो हम ही करवा देंगे, ठीक है। तो ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसा कंटेंट आपको देखने के लिए मिलता रहेगा। रॉनिन के बारे में तो खास तौर पे आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो फिर चलिए भाई, वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।